हमारे चैनल वृंदा ऑनलाइन स्टडी क्लासेस में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती और एपीएस भर्ती से संबंधित। लोक सेवा आयोग में फंसी भर्तियां जल्द ही शुरू होने के आसार हैं, तो इन भर्तियों के अब जल्द ही शुरू होने के आसार दिख रहे हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में विभिन्न कारणों से फंसी भर्तियों के जल्द ही शुरू होने के आसार दिख रहे हैं। इसमें अपर निजी सचिव एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती और प्रवक्ता भर्ती शामिल है। अपर निजी सचिव भर्ती के लिए संशोधित नियमावली को शासन से हरी झंडी मिल चुकी है, तो यहाँ पर शासन से हरी झंडी मिल चुकी है संशोधित नियमावली को। आयोग को अपर निजी सचिव एपीएस के 300 पदों से अधिक पदों का अधियाचन मिल चुका है, तो 300 से अधिक पदों पर यह अधियाचन मिल चुका है, इसी पर विज्ञापन जारी होगा। शासन से संशोधित नियमावली को मंजूरी मिलने के बाद आयोग जल्द ही एपीएस के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी कर सकता है। आयोग 2 साल से नियमावली में संशोधन का इंतजार था आयोग को। इससे पूर्व एपीएस के पदों पर भर्ती के लिए वर्ष 2013 में विज्ञापन जारी किया गया था, तो 2013 के बाद यह देखने को भर्ती अब मिलेगी। वहीं एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का विज्ञापन 2018 में जारी किया गया था और आयोग के पास एलटी ग्रेड के 5000 से अधिक रिक्त पदों का अधियाचन पहुंच चुका है। समकक्ष अर्हता स्पष्ट किए जाने के लिए आयोग ने शासन को पत्र भेजकर दिशा निर्देश मांगे हैं और जल्द ही इस मामले पर स्थिति स्पष्ट होने के भी आसार हैं। अर्हता को लेकर स्थिति स्पष्ट होते ही आयोग भर्ती का विज्ञापन जारी कर सकता है, तो एलटी ग्रेड में बस शासन से जैसे ही अर्हता को लेकर स्थिति स्पष्ट होती है वैसे इसका भी विज्ञापन जारी किया जाएगा। आयोग के प्रवक्ता के 400 से अधिक पदों का अधिवाचन मिल चुका है और यह भर्ती भी जल्द ही शुरू होने के आसार है। तो इस तरह से एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती, एपीएस भर्ती और प्रवक्ता के पदों पर भर्ती आपको जल्दी देखने को मिलेगा। आयोग को समीक्षा अधिकारी आरओ के रिक्त पदों का भी अधियाचन मिल चुका है। आयोग ने आरओ के पदों पर भर्ती के लिए पिछले साल विज्ञापन वर्ष 2021 में जारी किया था, तो इसके भर्ती का विज्ञापन पिछले साल 2021 में जारी किया गया था और वर्ष 2022 में कोई भर्ती नहीं हुई। ऐसे में इस वर्ष आरओ के पदों पर भी भर्ती निकलने के पूरे आसार है। तो एपीएस एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी है कि इन पर जल्द ही जारी होने के पूरे आसार दिख रहे हैं। अगला महत्वपूर्ण अपडेट टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती में पदों की संख्या जोड़ने और उसका परीक्षा कराने से संबंधित है। युवा मंच के द्वारा उत्तर माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के अध्यक्ष जी को यह पत्र प्रेषित किया गया है और आइए देखते हैं कि इसमें क्या कुछ दिया हुआ है। भविष्य को ध्यान में रखते हुए परीक्षा तिथि घोषित करने और परीक्षा तिथि घोषित करने में असमर्थ होने की दशा में त्याग पत्र देने के संबंध में, तो इस तरह से युवा मंच का कहना है कि अगर परीक्षा तिथि की घोषणा नहीं होती है तो आप त्याग पत्र दे दें। यह 6 फरवरी के ही डेट में जारी किया गया है। यहाँ पर देखिए, सेवा में श्रीमान अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, एलनगंज प्रयागराज। विषय इसका जो है महत्वपूर्ण है कि टीजीटी पीजीटी 2022 में शामिल 13,19,000 प्रतियोगियों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए परीक्षा तिथि घोषित करने और परीक्षा तिथि घोषित करने में असमर्थ होने की दशा में त्याग पत्र देने के संबंध में यह है। महोदय, आपसे अनुरोध है कि उत्तर प्रदेश 13,19,000 प्रतियोगी छात्रों ने टीजीटी पीजीटी 2022 विज्ञापन में आवेदन किया है और आपके द्वारा अक्टूबर 2022 में परीक्षा कराने का आश्वासन भी दिया गया था, लेकिन दुर्भाग्यवश परीक्षा नहीं हो पाई क्योंकि सरकार द्वारा सदस्यों को अभी तक चयन बोर्ड में नहीं भेजा गया। सूत्रों की माने तो सदस्यों के अभाव में आप परीक्षा कराने में असमर्थता जाहिर कर रहे हैं और सरकार भी परीक्षा को लेकर गंभीर नहीं है। प्रतियोगी छात्रों में उहापोह की स्थिति बनी हुई है कि विगत विज्ञापनों की भांति विज्ञापन 2022 भी पंचवर्षीय योजना की भेंट न चढ़, जबकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्रधानाचार्य के साक्षात्कार मामले में आदेश दिया था कि अध्यक्ष को अधिकार है कि साक्षात्कार कराकर प्रक्रिया आगे बढ़ाए। आपके द्वारा माननीय न्यायालय के आदेश के अनुपालन में सदस्यों के अभाव में साक्षात्कार भी कराया गया और परिणाम भी घोषित किया गया, जो बहुत ही सराहनीय, परंतु परीक्षा तिथि घोषित करने को लेकर आपके द्वारा असमर्थता जाहिर करने से प्रतियोगियों में घोर निराशा व्याप्त है और उनका
और उनका भविष्य अंधकारमय हो गया। तो इस तरह से जहाँ पर प्रधानाचार्य भर्ती के साक्षात्कार होने के बाद रिजल्ट जारी हो गया, लेकिन इसकी परीक्षा तिथि जारी करने में टीजीटी पीजीटी 2022 की बता रहे हैं, जिस पे छात्रों को भरोसा नहीं है। अतः आपसे करवत निवेदन है कि प्रतियोगी छात्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए परीक्षा तिथि घोषित करने की कृपा करें और यदि संभव न है तो नैतिकता के आधार पर अध्यक्ष पद से त्यागपत्र देने की मति कृपा करें, ताकि सरकार के द्वारा कोई त्वरित कार्यवाही सुनिश्चित किया जा सके कि सरकार की मंशा क्या है। तो इस तरह से छात्रों का अनुरोध है कि अध्यक्ष महोदय अगर परीक्षा तिथि की घोषणा करने में असमर्थ है पद से त्यागपत्र दे दें। इस तरह से एक मामला UPSC से संबंधित है कि आज पूरा होगा अध्यक्ष का कार्यकाल और फंसेगी असिस्टेंट प्रोफेसर पदों की भर्ती। नहीं मिल सका सेवा विस्तार तो अटक सकती है महाविद्यालयों में सहायक प्रोफेसर की भर्ती। अगस्त पूरी हो गया है लेकिन परीक्षा तिथि इसमें भी घोषित नहीं हुआ है। नियुक्ति के लिए भटक रहे पुनर्मूल्यांकन में चयनी। तो इस तरह से असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का भी कार्य तो इस तरह से असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का भी कार्यक्रम जो है वह स्थगित हो सकता है।